इंग्लिश विंग्लिश। तो पिछली वीडियो में हमने पैसिव वॉइस किए थे और आई होप आपको समझ आ गए होंगे। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके मेरे अकाउंट पे चेक कीजिए। और हाँ, आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो मेनली नरेशन जो है इसका लिटरल मीनिंग होता है वर्णन, घटनाक्रम या कथन। तो जब नरेशन या नरेट करना, हम किसी चीज़ को नरेट करेंगे कि वो घटना वहाँ पर हुई थी, उसे अपने तरीके से बताएंगे, तो वो होगा नरेशन। और हम उस घटनाक्रम को नरेट करेंगे। नरेट, नरेट से ही ये वर्ड बना है नरेशन। नरेट से नरेशन। तो जो नरेशन है इसकी डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग का जो घटनाक्रम होगा वही होगा नरेशन। और इसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सामान्य रूप से यही होता है कि टेंस सीक्वेंस, कि टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब के बाद अनदर वर्ब आती रहे और वर्ड के बाद अनदर वर्ड आता रहे। ओके, तो चलिए देखते हैं। नरेशन को हम स्पीच भी बोलते हैं। स्पीच, नरेशन को हम स्पीच भी बोलते हैं। और सामान्य रूप से नरेशन के टू टाइप्स होते हैं। ओके, वो टू टाइप्स क्या होते हैं? ये है डायरेक्ट स्पीच, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड टू वर्ड एज इट इज होते हैं, जैसा कि हमें दिया होता है, एज इट इज, जैसा हमें दिया होता है। पर जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें हम घटनाक्रम को बताते हैं कि उसने कैसे उसको कहा, उसने उसको कैसे कहा। इसमें जैसे उसने उसको कहा वैसा का वैसा सारा डिफाइन कर दो। पर इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ड टू वर्ड नहीं होता है, एज इट इज नहीं होता है। तो आज हम सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे कि टेंस संबंधी और स्पेस संबंधी, टाइम संबंधी और वर्ड्स, वर्ब सब कुछ चेंज होगा। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये कितने टाइप से होंगे और कैसे होगा। तो पहले मैंने नरेशन को डिफाइन करके उसके पार्ट्स बताए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बताए। और अब मैं आपको बताऊँगी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले होता है असर्टिव टाइप। इसमें सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। सिंपल मतलब सिंपल, जिसमें वर्ब की फॉर्म्स होती हैं पास्ट प्रेजेंट कोई भी हो सकता है इसमें। और नेगेटिव जो नॉट वाले सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस असर्टिव में ही शामिल करे जाते हैं नरेशन में। और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन, सबको पता है इंटरोगेटिव का मतलब होता है आस्किंग। तो आस्क वाले सेंटेंस आएंगे इंटरोगेटिव में। इसमें डब्ल्यू एच वर्ड्स में हु, व्हाट, व्हिच, वेयर टाइप ऑफ सेंटेंस आएंगे। और हेल्पिंग वर्ब्स से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस आएंगे इंटरोगेटिव में। तो अब आते हैं इंपेरेटिव पे। इंपेरेटिव में लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस आएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस आएंगे, डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस आएंगे और प्लीज से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस आएंगे। तो अब आता है ऑप्टेटिव पे। ऑप्टेटिव का मीनिंग यही होता है कि किसी को विश करना, किसी को ब्लेस करना, किसी को शाप देना या किसी को ऑर्डर देना। ओके, अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी पे। एक्सक्लेमेटरी का मेनली मीनिंग यही होता है कि सरप्राइज, जॉय, दुख, खुशी, कुछ भी, या एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके टेंस संबंधी परिवर्तन क्या होते हैं। असर्टिव टाइप अपने स्टार्ट करेंगे और अब मैं आपको टेंस संबंधी परिवर्तन, कनेक्टिव और सब आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस। तो प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस में थ्री केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में वो प्रोनाउंस आती हैं जो कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होती हैं, जैसे कि मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। तो ये सारी प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होती हैं।
करेंगे। शी को पजेसिव केस में हर में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस में भी हर में ही चेंज करेंगे। इट निर्जीव वस्तु के लिए यूज होता है, इसे पजेसिव केस में इट्स में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस में इट में चेंज करेंगे। दे को पजेसिव केस में देयर में और ऑब्जेक्टिव केस में देम में चेंज करेंगे। तो ये थे प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस। तो अब मैं आपको बताऊंगी वर्ब रिलेटेड चेंजेस। चलिए, तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने के वर्ब संबंधी परिवर्तन वर्ब रिलेटेड चेंजेस अब हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, को पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसको हम पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल की ही हेल्पिंग वर्ब डू डज है, इसे हम पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डिड में चेंज करेंगे, डू डज को डिड में चेंज करेंगे। उसके बाद पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डिड है, इसको हम पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, डू डज को डिड में चेंज करेंगे, डिड को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद हमारे पास हैज हैव है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसको हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, हैज हैव को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज आर एम, इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स वाज वर्ब में चेंज करेंगे, इज आर एम को वाज वर्ब में चेंज करेंगे। उसके बाद हमारे पास वाज वर्ब है जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसको हम हैड बीन मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे, वाज वर्ब को हैड बीन में चेंज करेंगे। उसके बाद हमारे पास कैन मॉडल है और मे मॉडल है, कैन मॉडल को हम कुड मॉडल में चेंज करेंगे और मे मॉडल को हम माइट मॉडल में चेंज करेंगे। कैन मॉडल को हम कुड मॉडल में चेंज करेंगे और मे मॉडल को हम माइट मॉडल में चेंज करेंगे। उसके बाद हमारे पास विल और शैल है, विल और शैल दोनों ही वुड में चेंज होते हैं, विल और शैल दोनों ही वुड में चेंज होते हैं। इसमें मस्ट जो मॉडल है वो कंडीशनल होता है, इसे हैड टू में भी चेंज कर सकते हैं। मस्ट मॉडल कंडीशनल है, इसे हैड टू में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक बार मैं आपको और बताती हूँ कि जो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है अगर वो हमें डायरेक्ट स्पीच में दी गई है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो नो चेंज रहेगी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नो चेंज रहेगी। ओके, क्लियर। अब मैं आपको एक परिवर्तन और कराऊंगी। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए अब हम करेंगे टाइम एंड स्पेस रिलेटेड चेंजेस। तो इसमें सबसे पहले आता है दिस, इसको दैट में चेंज करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें दिस दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट आएगा। हेयर को हम देयर में चेंज करेंगे, दीज को हम दोज में बदलेंगे, नाउ को हम देन में चेंज करेंगे। फिर से देखिए एक बार, दिस को हम दैट में चेंज करेंगे, हेयर को हम देयर में चेंज करेंगे, दीज को हम दोज में चेंज करेंगे, नाउ को हम देन में चेंज करेंगे, टुडे मतलब आज उसको हम दैट डे में चेंज करेंगे, टुनाइट को हम दैट नाइट में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे, टुनाइट को दैट नाइट, टुमारो को हम द फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे, या इसे हम द नेक्स्ट डे भी बोल सकते हैं पर हम इसे द फॉलोइंग डे ही चेंज करेंगे। तो टुमारो को हम द फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे, टुनाइट को हम दैट नाइट में, लास्ट को हम प्रीवियस में चेंज करेंगे, लास्ट को हम प्रीवियस में चेंज करेंगे, नेक्स्ट को हम फॉलोइंग में चेंज करेंगे, लास्ट को प्रीवियस में, नेक्स्ट को हम फॉलोइंग में चेंज करेंगे, अगो को हम बिफोर में चेंज करेंगे, अगो को हम बिफोर में चेंज करेंगे, दिस को हम दैट में चेंज करेंगे, हेयर को हम देयर में चेंज करेंगे, दीज को हम दोज में चेंज करेंगे, नाउ को हम देन में चेंज करेंगे, टुडे को हम दैट डे में चेंज करेंगे, टुनाइट को हम दैट नाइट में चेंज करेंगे, टुमारो को हम द फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे, लास्ट को हम प्रीवियस में चेंज करेंगे, नेक्स्ट को हम फॉलोइंग में चेंज करेंगे और अगो को हम बिफोर में चेंज करेंगे। तो ये जो चेंजेस थे ये थ्री टाइप के चेंजेस थे, तो इन्हें हम किसी भी टाइप के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। पर अब हम मेन असर्टिव टाइप के सेंटेंस पे आते हैं कि उसमें कनेक्टिव और ये सब क्या होगा। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए असर्टिव टाइप हमारा ये है, इसमें
करेंगे। असर्टिव में यही मेन रूल होते हैं, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। ये सब ये जो रूल्स हैं, सेट टू गो टोल, कनेक्टिव दैट, प्रोनाउन टाइप चेंज, टेंस टाइप चेंज, टाइम एंड स्पेस टाइप चेंज, इसे अब मैं आपको बाय एग्जांपल समझाऊंगी। तो ये है हमारा असर्टिव टाइप का फर्स्ट एग्जांपल, जय सेड टू सौरभ यू लुक लाइक अ फूल। इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है, ये भी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ओके, सबसे पहले हम ये, चलो एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, जो ये वाली लाइन होती है और ये वाली लाइन होती है, जो ये होती है ये तो होती है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो ये होते हैं ये होते हैं रिपोर्टर स्पीच। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य होता है रिपोर्टिंग वर्ब, अंदर वाला वाक्य होता है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो अब हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज करेंगे। ओके, सबसे पहले जय ये हमारा सब्जेक्ट है तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। सैड टू को, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सैड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे। सौरभ, अब आया ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा, इसकी जगह मैंने आपको बताया था कि हमें असर्टिव में कनेक्टिव दैट लगाना है। ओके, दैट, अब देखिए यू जय किसको बोल रहा है, सौरभ को, कि तुम फूल लगते हो, तो ये यू है ये सौरभ के अकॉर्डिंग चेंज होगा, कि वो सौरभ को बोल रहा है तो ये सौरभ के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सौरभ लड़का है, मेल है, तो इसके लिए आएगा ही। ओके, ही प्रोनाउन यूज करेंगे, दैट ही लुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस दिया हुआ है हमें ये, तो अब हम इसे पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। लुक की सेकेंड फॉर्म होती है लुक्ड, तो यहाँ पे आएगा ही लुक्ड, और ये बाकी का सेंटेंस सेम, क्योंकि हमें इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं दिख रही है। अगर हमें यहाँ पे टाइम एंड स्पेस संबंधी परिवर्तन योग्य वर्ड्स दिए होते तो हम उसको चेंज करते, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये हम सेम टू सेम लिख देंगे। ओके, ही लुक लाइक अ फूल। तो अब मैं आपको एक रूल और बताऊंगी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर सिंपल या प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब टाइप चेंज नहीं होता। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर सिंपल या प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब टाइप चेंज नहीं होता। चलिए देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे फ्यूचर सिंपल विल से दिया हुआ है। ओके, आई विल से हर, यू आर माई लाइफ, तो आई will say her, comma inverted comma की जगह आएगा that, that, अब ये you है, pronoun type change तो होगा, only verb type change नहीं होगा। okay, तो you है ये इस her के according change होगा, क्योंकि ये जो मैं हूँ I है, ये her यानी कि female को बोल रहा है कि you are my life, तो you her के according change होगा, तो subjective case में हर को चेंज करेंगे शी में। ओके, दैट शी, अब आप देखिए अगर यहाँ पर फ्यूचर सिंपल ना होता तो यहाँ पर हम आर की जगह वॉज लगाते, शी के साथ वॉज आता, पर हम यहाँ पर फ्यूचर सिंपल दिया हुआ है तो हम वॉज का यूज नहीं करेंगे, आर को इजी में ही इज में ही चेंज करेंगे। शी के साथ सिंगुलर है तो इज आएगा, शी इज, माई को हम आई के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ये माई ही रहेगा, अगर यहाँ पर ही होता तो इसकी जगह हीज होता, और अगर यहाँ पे शी होता तो इसकी जगह हर होता, तो यहाँ पे माई है तो आई के अकॉर्डिंग हम इसे माई ही रखेंगे, शी इज माई लाइफ। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस, शी सेज टू मी आई शैल हेल्प यू ऑलवेज, सेज टू को चेंज करेंगे हम टेल्स में। ओके, सेज टू को चेंज करेंगे हम टेल्स में, चलो इसे हम चेंज करते हैं, शी टेल्स मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह असर्टिव में दैट ही आएगा, दैट शी
ये बोल रही है इसे, पर ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, दैट शी शैल को किस में चेंज करेंगे, वुड में, विल शैल दोनों को वुड में चेंज करेंगे, वुड। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, शी वुड हेल्प। अब जो ये यू है ये चेंज होगा इस मी के अकॉर्डिंग, तो इसकी जगह क्या आएगा, हेल्प मी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस का यू है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस का मी, यहाँ पर मी ही आएगा, तो ऑलवेज का ऑलवेज, ऑलवेज को किसी में चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज रहेगा ये। She says to me, I shall help you always. She tells me that she would help me always. Okay? अब हम assertive type के ये core rule को करते हैं। इसमें जब reported speech में universal truth यानी कि सार्वभौमिक सत्य, habitual fact यानी कि आदतन तथ्य, scientific fact यानी कि वैज्ञानिक तथ्य, proverb यानी कि कहावत या लोकोक्ति, idiom यानी कि मुहावरा या हिस्टोरिकल फैक्ट यानी कि ऐतिहासिक तथ्य दिया हुआ हो, तो वर्ब टाइप चेंज नहीं होता है। क्या यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, प्रोवर्ब, इडियम, हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हुआ हो तो वर्ब टाइप चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है कि ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया गया था, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे कोई नहीं बदल सकता, तो ये हम पास्ट में ही यूज़ करेंगे, इसे हम प्रेजेंट में नहीं लेके आ सकते, तो इसलिए हम इसमें वर्ब टाइप चेंज नहीं करेंगे। हैबिचुअल फैक्ट क्या होता है कि जैसे कि वो हमेशा नॉनसेंस टॉक करती है, तो ये उसकी हैबिट है कि वो नॉनसेंस बात ही करती है, तो ये इसमें भी हम वर्ब की टाइप को चेंज नहीं कर सकते। साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें भी हम वर्ब टाइप चेंज नहीं करेंगे। प्रोवर्ब और इडियम में भी हम वर्ब टाइप चेंज नहीं करेंगे, और हिस्टोरिकल फैक्ट में भी हम वर्ब टाइप चेंज नहीं करेंगे। ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया गया था, इसे हम हिस्टोरिकल फैक्ट में भी ले सकते हैं, तो इसे हम हमेशा पास्ट में ही रखते हैं। हिस्ट्री को क्योंकि हम पास्ट में ही ले सकते हैं, इसे हम प्रेजेंट बनाकर चेंज नहीं कर सकते, तो हिस्टोरिकल फैक्ट को भी हम वर्ब टाइप चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारा असर्टिव टाइप खत्म होता है, और अब हम इंटरोगेटिव टाइप शुरू करेंगे। तो अब हम शुरू करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सेट टू है इसे हम किस में चेंज करेंगे, तो इसे हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे, पर हम आस्क्ड में ही करेंगे, इंक्वायर्ड नॉट कंपलसरी है, तो हम इसको आस्क्ड ही लेकर चलेंगे एक बार। तो कनेक्टिव, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है सेंटेंस तो इफ आएगा, और अगर WH वर्ब से स्टार्ट है तो WH वर्ड का WH वर्ड ही कनेक्टिव के स्थान पर आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ आएगा, और अगर WH वर्ड से स्टार्ट है तो WH वर्ड आएगा। क्वेश्चन मार्क को इनडायरेक्ट स्पीच में हटा दिया जाएगा, क्वेश्चन मार्क को इनडायरेक्ट स्पीच में हटा दिया जाएगा। ओके, तो चलिए हम एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो ये है हमारा इंटरोगेटिव का फर्स्ट एग्जांपल, कार्तिक सेड टू नायरा, डू यू लाइक कॉफी। ये हेल्पिंग वर्ब डू से स्टार्ट हो रहा है, तो एक रूल इंटरोगेटिव में ये होता है कि अगर क्वेश्चन डू से स्टार्ट हो रहा है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, डू को मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और डू हट जाएगा। ओके, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। चलो इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले कार्तिक हमारा सब्जेक्ट है, कार्तिक सेट टू को आस्क में चेंज करेंगे, आप चाहे तो इंक्वायर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, पर अभी मैं आस्क का यूज करूंगी सारे सेंटेंसेस में। आस्क नायरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कनेक्टिव आएगा इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इफ आएगा, इफ डू हट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी, या बाद में प्रयोग, अगर कोई और हेल्पिंग वर्ब हो तो वो सब्जेक्ट के बाद प्रयोग होगी, पर अगर डू है तो इसे हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाएंगे, तो ये अभी हट जाएगा। यू नायरा के अकॉर्डिंग चेंज होगा, नायरा लड़की है, इफ शी लाइक फर्स्ट फॉर्म है, डू के अकॉर्डिंग चेंज
like coffee? Kartik asked Anara if she liked coffee. Okay? अब हम एक WH word वाला example और एक model वाला example करेंगे. तो ये हमारा interrogative का next sentence है. Bhavika said to Sidhanshi, can I use your pen? ठीक है? इसमें अब हम change करेंगे इसको. अब ये model से start है. तो अब हम इसे देखेंगे कैसे change होगा ये. Bhavika said to को asked Sidhanshi, मॉडल ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी दोनों में इफ ही कनेक्टिव यूज होता है. सो इफ अब हम आई को चेंज करेंगे भाविका के अकॉर्डिंग शी कैन को कुड में चेंज करेंगे. कैन को कुड में चेंज करेंगे. कुड मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. यूज सिद्धांशी के अकॉर्डिंग योर चेंज होगा. हर पेन और क्वेश्चन मार्क हमें रिमूव करना है. सो फुल स्टॉप. ओके अब हम करेंगे WH वर्ड वाला एग्जांपल. अगला हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव का WH वर्ड वाला. इसमें हमने वर्ड WH वर्ड यूज किया है. तो हमारा सेंटेंस है करण सेड टू हिमांशु व्हाट आर यू डूइंग. तो इसे हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. तो चलिए करते हैं. करण आस्क हिमांशु. अब कनेक्टिव हमें WH वर्ड की जगह पे WH वर्ड ही लगाना है जो हमें डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है. व्हाट यू चेंज होगा हिमांशु के अकॉर्डिंग. ही आर को हम वॉज वर्ड में चेंज करेंगे. हिमांशु सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है. तो was doing full stop आएगा. क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क को हमें रिमूव कर देना है. ओके तो इसी के साथ हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट होते हैं. तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए. और यदि आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. बाकी के 3 पार्ट अगली वीडियो में करवाए जाएंगे. थैंक यू.